Namaste and welcome to this exciting new episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस सनातन इस शो में स्वागत है। सत्योलॉजी मतलब कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है माइथोलॉजी मतलब जो झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। आज हम लोग एक शब्द के इतिहास में हम लोग बात करेंगे जो बार बार कंट्रोवर्सी में आता रहता है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सनातन शब्द को बोल दिया कि वो बोगस भी है, और हमारे चैनल पर भी आ चुके हैं। लेकिन मुझे पता अभी लगा, तो इसलिए अब मैं उस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन सनातन शब्द तो सृष्टि के आरंभ से है, और हमारे आचार्य ये बताते हैं कि पर आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को भी सनातन बोला जाता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति जो आपके साथ हमेशा रहता है, इसलिए बोलते हैं आप कभी अकेले नहीं है, वो है परमात्मा। परमात्मा आपके साथ रहते हैं, इसीलिए योग जो पूरा योग है वो आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार को ही योग बोलते हैं। युज धातु से बनता है, जुड़ने से बनता है। तो जैसे आप जुड़ते हैं तो आपको प्रसन्नता, हैप्पीनेस, जिसके लिए पूरी दुनिया दौड़ रही है, उसका अनुभव होता है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं दार्शनिक, आप सब जानते हैं उनको, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। वेलकम। नमस्कार। ये जो लोगों के अंदर एक डिक्लेरेशन में देख रहा था कि हिंदुइज्म तो ऑलरेडी इज्म वर्ड है, वेस्टर्न वर्ड है, इज्म मींस काल्पनिक है, लेकिन हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व उसको एक कोशिश की जा रही है कि वहां पे मुसलमान भी आ जाए, मतलब शत्रुबोध खत्म हो जाए वहां पे पूरा। फिर आसानी से नहीं, उसको तो हमारा पहले बात कर भी चुके हैं कि बगैर बोध नहीं तो शत्रु बोध कैसा। लेकिन सनातन शब्द का इतिहास, अभी तो मैं का एक श्लोक ही बोलूंगा, ममे वामशो जीव लोके जीवभूत सनातना मन शशानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो सनातन शब्द का इतिहास कहाँ कहाँ मिलता है शास्त्रों में, कितना पुराना है सनातन शब्द? प्राचीनतम है सनातन शब्द, सबसे पहले ऋग्वेद में आया है। उसको कहा देखिए, सनातन शब्द अलग है। जो आपने गीता जी का कहा वो क्या है? जीव भूता सनातन, यानी जो जीव है वो सनातन, वो जब तक वो परमात्मा में ही लय नहीं हो जाता तो वो जीव है। ममई वांशो जीवलोको जीवलोके जीव भूता सनातन, वो तो अलग बात है। मुख्य है सनातन धर्म। सनातन धर्म वैदिक काल से है और वेद सृष्टि के प्रारंभ से है, यानी लगभग 2 अरब वर्षों से इस कल्प में, और बारंबार कल्प होता रहता है, फिर युग चतुर्युगी होती रहती है। तो ये अनादि शब्द है और स्वयं वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है कि ये ऋतंभरा प्रज्ञा और स्वयं ईश्वरीय शब्द है, ईश्वरीय वचन। सनातन धर्मानी ऋग्वेद में है, तृतीय मंडल में। इसके अतिरिक्त रामायण में है एष धर्म सनातना, कई बार आता है रामायण में, बालकांड में, अयोध्या कांड में, एष धर्म सनातना। फिर महाभारत में है सनातन धर्म, बारंबार आता है। और बुद्ध ने भी, पाली में भी है एष धर्मो सनातना, ये पाली में है। तो इस तरह वेदों में, वाल्मीकि रामायण में, पुराणों में, और साथ ही महाभारत में, और इसके अतिरिक्त बुद्ध वचन में सनातन धर्म शब्द आया है। वेदों में इसके साथ ही सनातन धर्माणी और प्रथमा धर्माणी ये कहा है। प्रथम धर्म क्या है? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, प्रथम धर्म हुए, उन्हीं को सनातन धर्म कहते हैं। प्रथम धर्म क्या है? सत्य, यज्ञ, तप, ये उसका विवरण दिया है पूरा। तो ये जो है सत्य, यज्ञ, तप, दीक्षा, ब्रह्मचर्य, ये सब क्या है? सनातन धर्म। फिर रामायण में तो बड़े विस्तार से है, वाल्मीकि रामायण में, कि वो कहते हैं कि पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, ये सनातन धर्म है। पुत्र इस प्रकार से आचरण करता है, गृहस्थ ऐसे आचरण करता है, सबको कहा है एष धर्म सनातना। यानी अनेक बार वाल्मीकि रामायण में सनातन धर्म शब्द आया है। इसके साथ महाभारत में सनातन धर्म शब्द आया है, और शांति पर्व में सनातन धर्म शब्द है। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया पाली भाषा में भगवान बुद्ध का जो वचन है उसमें भी वही कहा है, एष धम्मो सनातनः। तो ये तो सनातन धर्म ही प्राचीन है, लेकिन इसमें देखिए अज्ञान से तो धर्म का संबंध नहीं है, धर्म तो ज्ञान से ही होता है। इसलिए जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या उन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख हैं। जो कहता है कि सनातन धर्म प्राचीन नहीं है और हिंदू धर्म प्राचीन है, वो मूर्ख है। हिंदवा शब्द भी वैदिक है, सप्त सिंधवा को निरुक्त के नियमानुसार सिंधवा का हिंदवा हो जाता है। तो हिंदू शब्द सिंधु से वैदिक है, हिंदू शब्द वैदिक है, लेकिन वो भूगोलवाचक है। यानी सनातन धर्म, धर्म का मूल नाम है सनातन धर्म, हिंदू इस देश का नाम है। जब सप्त सिंधु देश था मूलतः वो, यानी संपूर्ण भारत समझ लीजिए हिंदू देश है। तो सनातन धर्म का जो रूप भारतवर्ष में प्रकट हो उसे हिंदू धर्म कह सकते हैं, लेकिन वो मूलतः सनातन धर्म होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए सनातन धर्म का विपरीत कोई आचरण भारतवर्ष में होता है तो वो केवल भारतवर्ष में है, इसलिए उसे सनातन धर्म नहीं कह देंगे। इसलिए मूल शब्द क्या हुआ, सनातन धर्म। सनातन धर्म मूल है, प्रतिमान है, निकष है, वही कसौटी है। सनातन धर्म का हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में, हिंदू देश में, भारतवर्ष में जो पालन होता है उसे कहते हैं सनातन धर्म, और उसे हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। लेकिन अगर भारतवर्ष में कल को इस्लाम आए, ईसाइयत आए और वो कह दे कि हम भी तो हिंदू देश के रहने वाले हैं, तो हम भी हिंदू हैं इसलिए हम भी सनातनी, ये तो तमस और मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यही तो अटेम्प्ट है, यही अटेम्प्ट है। जैसे गीता में 11.18 में बोल रहे हैं भगवान, तुम अक्षरम परम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। हाँ, वो तो भगवान सनातन है। और जो सनातन भगवान के वचन से निकला हुआ धर्म है, स्वयं वेदों का जो शब्द है, वैदिक, वैदिक शब्द में, वेदों में हिंदू शब्द धर्म के लिए नहीं है, वेदों में हिंदू शब्द देश के लिए है, सिंधवा, हिंदवा है ना। तो हिंदू क्या है, देश मूलक है, और धर्म क्या है, धर्म सनातन है, सनातन ही मुख्य है। और वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है और वेद उससे क्या कहते हैं, सनातन धर्म। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है, सनातन धर्म। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, संता धर्म, एष धम्मो सनातनः। महाभारत क्या कहता है, सनातन धर्म। तो ये जो मूर्ख ये कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म सही है, वो तो अज्ञानी है, उपेक्षणीय है, तिरस्कार के योग्य है, निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है, अपात्र है, इस विषय में अनधिकारी है ना। सनातन धर्म ही प्रामाणिक शब्द है, क्योंकि वो प्रथम धर्म है। सृष्टि के प्रारंभ में इस सृष्टि के संचालक जो नियम है उनको सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए इस विषय में जो विवाद कर रहे हैं वो विमर्श, बहस के योग्य नहीं है, क्योंकि वो अयोग्य है, अपात्र है, अनधिकारी है, उनको ज्ञान नहीं, ज्ञानी है मूर्ख। एक्चुअली क्या इसमें क्या है, ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टर्म्स है, मतलब इसको अगर हम नॉर्मल, इसको हम लोग अगर यूज करना चाहें, जैसे कि लोग एक्चुअली लोग इसलिए यूज करना चाहते हैं कि ताकि वो शत्रु बोध हिंदुओं में जगाए। शत्रु जगाने के लिए सबसे अच्छी पुस्तक तो भगवद गीता है, क्योंकि अर्जुन तो शत्रुबोध खो चुका था और बाद में गीता पढ़ के उसको शत्रुबोध हुआ, लेकिन वहां किसी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि साधन उसी में है जो यूज कर रहे हैं। एक इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी जो लोगों के लिए, समझने के लिए कि बहुत सारे लोग, मनुस्मृति में भी सनातन धर्म है, ये ध्यान रहे, मनुस्मृति में भी है, और हिंदू धर्म शब्द मनुस्मृति में कहीं नहीं है। हिंदू तो आपने बिल्कुल सही बोला, ज्योग्राफी का रूप है, क्योंकि भारत तो हिंदू सागर के बीच में, जहाँ पे सिंधु नदी सागर को मिलती है उसको हिंदू सागर बोलते हैं। तो हिमालय से लेके हिंदू सागर तक ये सनातन, ये हिंदवी राष्ट्र, हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र, हिंदवी राज्य जो शिवाजी महाराज ने बुलाया। लेकिन ये बोलना कि जो सनातन धर्म है वो विश्लेषण है हिंदुत्व का और सब पार्ट है, दैट इज अ टोटली रॉन्ग फिलोसॉफिकल वन। उसके बारे में हिंदू धर्म नाम की स्वयं में कोई वस्तु नहीं है। सनातन धर्म का वह रूप जो हिंदू राष्ट्र में अपनाया जाए उसे हिंदू धर्म कहते हैं। यानी मूल क्या है, सनातन धर्म। हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म का भौगोलिक विशेष, भारतवर्ष के भीतर जब सनातन धर्म का आचरण होता है तो वो हिंदू धर्म है। अगर अमेरिका में होगा तो केवल सनातन धर्म कहेंगे, क्योंकि वो हिंदू देश नहीं है। सनातन धर्म विश्वव्यापी है, आप उन्हें हिंदू तो कह सकते हैं। अगर कोई यूरोप का व्यक्ति सनातन धर्म का पालन करता है तो काम चलाऊ तौर से उसे हिंदू कहा जा सकता है, लेकिन मूल शब्द है सनातन धर्म। सनातन धर्म का हिंदू राष्ट्र में पालन जिस रूप में किया जाता है उसे हिंदू धर्म कहते हैं। तो हिंदू धर्म बहुत बाद का शब्द है और पुराने शास्त्रों में हिंदू धर्म शब्द इसीलिए नहीं मिलता। हिंदू शब्द मिलता है भौगोलिक अर्थ में, हिंदू शब्द वैदिक है तो हिंदू राष्ट्र वैदिक हम कह सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म शब्द वैदिक नहीं, सनातन धर्म ही वैदिक शब्द है। रामायण में हिंदू धर्म नहीं है, महाभारत में हिंदू धर्म नहीं है, मनुस्मृति में हिंदू धर्म नहीं है, भगवान बुद्ध के वचन में हिंदू धर्म नहीं है। सब जगह सनातन धर्म, सनातन एष धम्मो सनातनः, भगवान बुद्ध का वचन। जी, अध्यात्म, जब हम अध्यात्म बोलते हैं, अध्यात्म उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ना जाए, लेकिन अध्यात्म को अगर हम देखे थे तो स्वाध्याय अध्याय तो वेदों से संबंधित है। अगर वेद नहीं तो स्वाध्याय नहीं, अध्याय भी नहीं। और अध्यापक मतलब जो वेदों को यथारूप बताए, एज इट इज। देखिए, अध्यात्म का जो गीता में कथन है ना वो प्रामाणिक है। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। मनुष्य का जो भीतरी स्वभाव है, आत्मसत्ता है, ये जो जीव का मूल स्वरूप है उसको जानना अध्यात्म। किसी देवता की शरण, पूजा पाठ आदि स्वयं में अध्यात्म नहीं। गॉड अल्लाह आदि की शरण में जाना तो बिल्कुल भी अध्यात्म नहीं। जीसस के पिता की शरण में जाना स्पिरिचुअलिटी होगी, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म यानी जो आत्मा की ओर जाए और देवताओं की पूजा इसलिए करे कि हमें आत्मज्ञान हो और देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन मूल क्या है? आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रयास ही अध्यात्म है। बाकी देवी देवताओं की पूजा जब तक आत्मज्ञान के लिए होती है, ब्रह्म के अंश के रूप में होती है, वो सभी ब्रह्म की ही विभूतियां हैं, अंश हैं, इस रूप में होती है, तब वो अध्यात्म है। और अगर उसको अलग से दी ओनली गॉड, दी ओनली पर्सनल गॉड, अल्लाह कह दिया तो वो अध्यात्म नहीं है। अल्लाह की इबादत अध्यात्म नहीं है। जीसस की शरण में जाना अध्यात्म नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी होगी। मैटर और स्पिरिट हमारे यहाँ शब्द नहीं, भारत में मैटर और स्पिरिट कोई शब्द नहीं। अधिभूत है, अधिदैव है और अध्यात्म, आध्यात्मिक। और अपने जो देवताओं की जो पूजा लिखी जाती है, देवताओं गुरु के रूप में पूजा लिखी जाती है कि उनको गुरु क्योंकि आपको प्रोवाइड कर रही है। ये नस्ते नवा यज्ञ श्रेष्ठा सनाचंतो देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वह, हम उनकी पूजा करेंगे तो वो हमें देंगे प्रकाश, ज्ञान, वरदान, है ना। लेकिन मूल वो है, मूल तो परमात्मा है, करेक्ट, देवता है। इसीलिए तो नाम भी देवता है, देव देवते के है, प्रकाश देते हैं वो, द्युति। एक जैसे अगर हम सनातन शब्द को अगर हम यूज करें हमारे टेम्परेरी ह्यूमन एक्सपीरियंस में, तो हमारे लिए सूर्य भी सनातन हुआ एक तरीके से, हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस में चंद्र भी सनातन हुआ, नक्षत्र भी सनातन हुए, क्योंकि हमारे टेम्परेरी एक्सपीरियंस में बहुत लंबे समय से है, तो इसलिए वो एक तरीके से सनातन के रूप हो गए, बिकॉज वी डू नॉट नो द एज ऑफ देम। और मटीरियल साइंटिस्ट तो चेंज होते रहते हैं, कब कब कितने साल बोलेंगे किसको पता नहीं। एंड भूदेवी को भी कभी कभी सनातन बोला जाता है, बिकॉज शी इज फ्रॉम आवर एज पर्सपेक्टिव शी इज वेरी ओल्ड, लेकिन अल्टीमेटली तो हर है ना। सृष्टि की कोई बिगिनिंग नहीं है हमारे यहाँ, सृष्टि अनादि है। जब से भगवान ने चाहा तब से सृष्टि है, उसका कोई पीरियड नहीं बता सकते, इतना पुराना। बारंबार प्रलय होता है, बारंबार सृष्टि होती है, तो इस अर्थ में वो सनातन है। भाई उसका संकुचन होता है ना, प्रलय काल में भी पृथ्वी सत, रज और तम में संकुचित हो जाती है, तीन गुण बचते हैं, लेकिन वो नाश नहीं होता। पुनः पृथ्वी प्रकट होती है, पुनः प्रलय होता है, तो वो सनातन, पृथ्वी भी सनातन है, सृष्टि भी सनातन। तो अगर हम इसको योग की दृष्टि से देखें, योग की तरफ से देखें सनातन शब्द का इतिहास को, तो योग में तो सनातन आकाश की भी बात की जाती है कभी कभी, सनातन आकाश, इटर्नल वर्ल्ड, इटर्नल। और एक गुरु नानक ने शब्द यूज किया था अकाल, सनातन अर्थी हुआ जिसका समय ना हो कोई, मतलब जो काल से परे है, ट्रांसेंडिंग टाइम। तो सो उसको योग से दृष्टि से देखें तो कितना पुराना शब्द है। नहीं, योग में तो आकाश को तो चिदाकाश जो है वो सनातन है। यस, हाँ, सनातन है। ये सब प्राचीन, सबसे मुख्य तो वेद है, वेदों से प्राचीन तो इस संसार में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और जब सनातन शब्द का वेदों में वर्णन है तो वो प्राचीनतम शब्द है। वेदों में हिंदू धर्म शब्द नहीं है, पतंजल योग शास्त्र में हिंदू धर्म शब्द नहीं है, गीता में हिंदू धर्म शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू धर्म शब्द नहीं है, जातक कथाओं में और बुद्ध वचन में हिंदू धर्म शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू धर्म शब्द नहीं है। सनातन सब जगह है, तो सनातन ही मूल नाम है। और इसमें विवाद मूर्ख लोग करते हैं, है ना। इस तरह का भेद तो मूर्खों का लक्षण है ना। भाई सनातन है और हिंदू जो है वो जो भारतवर्ष में सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म है, ठीक है, लेकिन ये गौण नाम है। हिंदू धर्म आनुषंगिक है, प्रधान नाम है सनातन धर्म। और दोनों में विरोध नहीं है, विरोध देखना गलत है ना। मैं और मेरा हाथ या मेरा शरीर, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन मैं केवल शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ। सनातन धर्म मूल है, हिंदू धर्म उसका एक भौगोलिक है। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, उनको काजी को बोलते हैं कि वेदों का सबसे ज्यादा अनुसरण करने वाले लोग हिंदू हैं, बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हिंदू एक श्रेष्ठ मनुष्य, ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनडायरेक्टली बोलते हैं, इनडायरेक्टली। जो कोट आपको ढूंढने के तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 3 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा चरितामृत में। और आदि शंकराचार्य भी हिंदू शब्द का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं। हिंदू शब्द बिल्कुल भी नहीं करते, ज्यादा क्या एक जगह मैं तो आदि शंकराचार्य नहीं, कहीं नहीं है। आप बताइए, हिंदू शब्द का कहीं भी किसी भी पुस्तक में शंकराचार्य ने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आर्ष धर्म है और सनातन धर्म, आर्ष और बद्री। और आदि शंकराचार्य ने हर जगह अर्च विग्रह की सेवा स्थापित करी, हर जगह, बद्रीनाथ से लेके केदारनाथ में जितने भी, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ आश्रम की जो लोग पूजा करते हैं, लोग बोलते हैं, वो आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। रंगनाथ स्वामी में जाके उनका वो है गीता, जहाँ जोसर बोली गई है, गीता जोसर में गीता सार गीता बोली गई है, वहां पे जाके उन्होंने स्थापना की। और हर जगह उन्होंने सनातन धर्म पर ही उपदेश दिया, हर जगह। नहीं, हिंदू धर्म में हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहना कि हिंदू धर्म प्रामाणिक है और सनातन नहीं है, ये मूर्खों का लक्षण है, अज्ञानी का लक्षण है। हिंदू धर्म भी कह सकते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म का पर्याय होने से ही महान है। अगर हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो सदा रहे, सनातन रहे, वही तो धर्म काम का है। जो धर्म भंगुर है, विनाशशील है, क्षणभंगुर है, कालिक है, तो वो तो किसी काम का नहीं है ना। तो ये तो एक हिंदू धर्म की नई परिभाषा हो रही है। केवल सनातन धर्म ही हिंदू धर्म, और कोई धर्म हिंदू धर्म नहीं। एक्चुअली सनातन धर्म ही हिंदू धर्म। ये अटेम्प्ट में जो देख रहा हूँ ना रामेश्वर जी, ये जो अटेम्प्ट जो है वो है वेदों से हिंदू को दूर करना और एक अपना ही नैरेटिव उसमें ऐड करना। ये एक मतलब ये प्रपंच चल रहा है। नहीं और... तो वो पाखंडी और नास्तिक लोग हरयुग में होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं, वो सफल नहीं होंगे। ये भगवान के द्वारा प्रवर्तित है सनातन धर्म, ये नष्ट नहीं होगा। और हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कोई विरोध नहीं है, और जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो मूर्ख हैं और वो पाखंडी हैं, नष्ट हो जाएंगे। कोई सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। सनातन धर्म अविनाशी है, शाश्वत है। सनातन जो उससे दूरी बनाने की कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाएगा, वो भंगुर है, क्षणिक है, नश्वर। 17वें चैप्टर का जो पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन पूछता है कृष्ण भगवान को कि जो लोग शास्त्र का पालन नहीं करते हैं, जो, क्योंकि उसके पहले 16 में उन्होंने बोला शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार, ये शास्त्र भी उत्सृज्य वर्तते कामकार का न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। तो वो 16वें चैप्टर के लास्ट 2 श्लोक में बोलते हैं। 17वें में पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र का पालन नहीं करते हैं वो उनका गति क्या होती है। तो पार्थ नहीं वे नाम, अच्छा हाँ वो है अलग, दूसरा है वो, हाँ, 17वें चैप्टर का पहला श्लोक है वो। अब उसके बाद उसका उत्तर देते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा, तो राजसी चामसी चैव, तो सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मत तमश्रणो, उसका सुनाते हैं। तो उसमें अभी जब हम उस तरह का विश्लेषण जाते हैं तो वहां पर जो शास्त्र की जब बात करते हैं भगवान, तो वहां पे जो उसमें एक मैं श्लोक ही पढ़ता हूं मैं वहां पे, उसमें मेरे पास सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा पयो अयम पुरुषो ये श्रद्धा एव सा, उसके बाद वो बोलते हैं कि जो यजंते सात्विका देवान, जो सात्विक हैं देव की पूजा करते हैं, राजसा। अभी यहाँ पे अभी जो लोग सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, वेदों को हटाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बोला गया है प्रेत भूत गणांशान्य यजंते तामसा जना, तमस गुण के लोग प्रेत और भूत की पूजा करते हैं, या फिर काल्पनिक मजारों की पूजा होती है, और ये सब जो देखते हम अजमेर। नहीं नहीं, वो प्रेत भी नहीं है, वो जो मजार की पूजा है वो तो शव पूजा है, वो तो बहुत घृणित है, वो हिंदू धर्म में उसकी, ये जो सात्विक राजसी और तामसिक विभाजन है वो हिंदुओं के लिए, ये जो मजार पूजा आदि है वो तो पैशाचिक और बहुत ही घृणित है ना, उसको तो हम शव पूजा है वो मानेंगे ही नहीं, वो पूजा के अंतर्गत ही नहीं आती, वो तामसी भी नहीं है, वो तामस से भी परे बहुत ही अधम कोई चीज है, वो पूजा है ही नहीं। तामसी भी पूजा होती है, भूतों की पूजा, भूत प्रेत की पूजा तामसी पूजा है, लेकिन मजार की पूजा वहां तो प्रेत भी नहीं है, वहां तो शव है जो कहते हैं कि कयामत के दिन उठ खड़ा होगा, तो वो प्रेत पूजा भी नहीं है, वो कुछ विक्षिप्त व्यक्तियों का है, उसको कोई उसका किसी भी, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि शव है और वो धरती में कयामत के अंत तक वहीं रहेगा, फिर तुरही बजेगी तो वो उठ खड़ा होगा, उसमें रूह आ जाएगी, तो वो तो प्रेत भी नहीं है ना, इसलिए मुसलमानों के अनुसार उनके शरीर का प्रेत नहीं होता, वो तो बस कीड़े मकोड़े होते हैं और फिर तुरही बजती है तो वो आत्मा आ जाती है, उससे कोई मतलब नहीं। exactly. मजार की पूजा प्रेत पूजा नहीं। exactly. मजार की पूजा प्रेत पूजा से बहुत ही निम्न स्तर की विक्षिप्त बुद्धि की पूजा है, मूर्खतापूर्ण। अच्छा, मैं जो श्लोक बोलना चाहता था वो ये, अशास्त्र भीतम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, वो सब आप जो भी बोल रहे हैं वो हिंदू धर्म के भीतर लागू होगा। करेक्ट। इस्लाम और ईसाईयत बहुत ही निकृष्ट अलग चीज है हिंदू धर्म के अनुसार। देखिए, अभी शास्त्र की बात हो रही, मैं किसी समाज की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन शास्त्र में तो निर्मम परीक्षण करना चाहिए। तो इस्लाम और ईसाईयत के जो भी प्रावधान हैं वो हिंदू शास्त्रों के अनुसार अधम किस्म की चीजें हैं, वो स्वस्थ मानव के योग्य नहीं, तो वो मानव विचार से बाहर है ना। बल्कि यूरोप में जो आपका मानववाद चला है उसको हमारे नास्तिकों के समतुल्य माना जा सकता है, मानववाद। लेकिन ये जो इस्लाम और ईसाईयत के नाम पे जो पूजा है वो तो काल बाह्य, मतलब हिंदू क्या मनुष्य की परिधि के बाहर की चीज है, ये तो ऐसे ही है, इसको विवेक नहीं है वो पूजा करेगा, वो गिनती में नहीं। इस्लाम और ईसाईयत जो है वो हिंदू चित्त के बाहर की चीज है, हमारे लिए वो गिनने योग्य नहीं है, उस पर विचार नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो पूरा पॉइंट है, जो अटेम्प्ट है कि हिंदुओं को शास्त्रों से कनेक्ट कर दिया जाए, अध्यात्म जो है वो सेल्फ गवर्निंग है, कि जो व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है वो अध्यात्म में है, ये दिस इज अ मेन अटेम्प्ट कि शास्त्रों को कर दिया जाए। आप इतना क्यों चिंतित हैं, मर गए पता नहीं कितने अटेम्प्ट करने वाले, वेदों का कोई कुछ नहीं कर सकता, वेद पुनः सनातन धर्म उभर रहा है। और देखिए, मोहन राव भागवत ने भी कहा है कि फिर उभर रहा है। अब उनके भाषण में दो तरह की बात होगी, लेकिन उन्होंने तो सनातन धर्म की ही बात कही है, एटर्नल कहा है उन्होंने बार बार अपने भाषण में। बैंकॉक में मोहन राव भागवत का भाषण बहुत अच्छा है भाषण के रूप में। ये अलग बात है कि वो, अगर आप हिंदू संगठन करना चाह रहे हैं तो उसका नक्शा क्या है, रोड मैप जिसे ये लोग कहते हैं, वो नहीं बताया। नहीं, वो जिस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं उसके विरुद्ध ही बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो कॉन्फ्रेंस तो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करी है, लेकिन वो जहां पे बात कर रहे हैं वो वहां पे उस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर के एकदम विपरीत बात कर रहे हैं। तो उसने बोलने क्या दिया ऑर्गेनाइजर ने, इसका मतलब ऑर्गेनाइजर की कोई आस्था नहीं है, वो आस्था विहीन व्यक्ति है, कुछ भी बोल सकता है। नहीं, ये शो तो मोस्टली टू एजुकेट पीपल, टू एजुकेट सबके लिए है कि शिक्षा मिले, लोग सर्च कर लें सब। तो जैसे ये जो श्लोक है, अशास्त्र विहितम घोरम, ये तप हो जाना। हाँ, अटेम्प्ट क्या है कि हिंदू का कोई शास्त्र नहीं है, कोई भी हिंदू बन सकता है, जो जिसमें बिलीव करता है वही ठीक। ये तो मत ततो मत, ये तो मत ततो मत, छोड़िए ना, उनको करने दीजिए, उनकी क्या हैसियत है, वो देश काल से सब समाप्त हो जाएंगे, उनकी कोई शक्ति नहीं। हिंदू जो है, अगर कांग्रेस के शासन में जिन्होंने योजना पूर्वक हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, उस समय हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ, सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ, तो अब ये इनकी क्या है। वो आप तो भागवत के इतने बड़े विद्वान हैं, उसमें क्या है, दृष्टवेदम जय नृपान हसति भूरियम अहो माम विजिगुषंति मृत्यो क्रीडन का नृपा तो दृष्टवेदम जये विज्ञान धर्माचार्यान कथित धर्माचार्यों को देखकर पृथ्वी हंसती है। जो नए नए धर्म की नई व्याख्या करना चाहते हैं, अशास्त्र अशास्त्रीय व्याख्या करने वाले धर्माचार्यों को देखकर भी पृथ्वी हंसती। बिल्कुल, अरे ये मृत्यु के खिलौने सनातन धर्म को नष्ट करेंगे। आप भागवत का श्लोक याद कर लीजिए, कोई नष्ट नहीं करता। मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको जो पढ़ते नहीं है शास्त्रों को। नहीं, पृथ्वी विष्णु पत्नी है, अरे मर गए, कीड़े मकोड़े हैं। जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं वो तुच्छ कीड़े मकोड़े हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। जो सनातन धर्म के शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। समय बदल गया है। नहीं, वो तो इस मामले में नरेंद्र मोदी जो हैं वो स्वयं धर्मज्ञ हो या नहीं हो, पर वो सबको संरक्षण दे रहे हैं ना। हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। हमारा प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा है, वो सबको संरक्षण देता है, हम उसका लाभ उठा लेंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोगों को समझना, जो देख रहे हैं व्यूअर्स, जो देख रहे हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये जो अटेम्प्ट जो चल रहा है उसका एक ही आंसर है कि वी गो बैक टू द शास्त्र। तो सबसे आसान है, आप महाभारत रामायण में ढूंढ नहीं सकते हैं, गीता में ढूंढ लीजिए, हर जगह आंसर मिलेंगे। 17वें चैप्टर का मैं 5वां छोटा श्लोक कोट कर रहा हूँ बार बार, आप वहां पे पढ़ के आप देख सकते हैं 5वां छोटा, एंड दे कैन मेक ए सोल्यूशन। क्योंकि जिस तरह हम सनातन धर्म को तो कोई छू नहीं सकता है, दैट इज अ फैक्ट, और सनातन धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता, दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। सनातन धर्म खतरे में कभी नहीं है, दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। और जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता, सिर्फ वही व्यक्ति खतरे में है, बाकी कोई खतरे में नहीं है। नहीं, इस अर्थ में थोड़ा मैं संशोधन करूंगा आपकी बात से। खतरे में है, दस्यु दलों से, राक्षसों से सदा खतरा रहता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। ये जो हिंदू धर्म खतरे में है ये सत्य है, लेकिन खतरे में है मतलब वो हमारे पुरुषार्थ की चुनौती है, वो हमारे लिए एक चैलेंज की तरह आता है कि ये खतरा बन रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं, खतरा है, खतरा वास्तविक है। सबसे बड़ा खतरा भारत में नास्तिकों से है, सबसे बड़ा खतरा हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उनसे है जो सनातन और हिंदू धर्म में भेद कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा उनको है जो वेदों से और शास्त्रों से हिंदू धर्म को अलग कर रहे हैं। वो दस्युदल हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं। बट ये तो खतरा है, लेकिन ये तो उपाय है ना, ये भी तो उपाय है कि क्षत्रियों को अब मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, धर्म की रक्षा। हाँ, खतरा जो है वो क्षत्रियों के लिए चुनौती है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि जो धर्म को खतरा है वो आतताई है, और आतताइनम आयांतम हन्यादेव अभिचारयन, कल को क्षत्रिय लोग उनको नष्ट कर देंगे, है ना। और ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहेगा, जो हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहेगा उसे नष्ट करना हमारा धर्म। ब्राह्मणों के लिए भी एक सॉल्यूशन है कि ब्राह्मणों के लिए भी उपाय बन जाता है मोक्ष का। अब प्रचार ज्यादा करना है तो जो अपने आप को ब्राह्मण जिसका गुण कर्म है, या क्षत्रिय जिसके गुण कर्म है, वो सभी अपने कार्यों को करें, कर्तव्य करें, तो इससे ऊपर हो जाता है मार्ग। और वैश्यों को भी इसमें बहुत ज्यादा है कि वो अपना धन यूज कर सकते हैं, भरण पोषण करते हैं। वैश्य जो है आश्रमों में गृहस्थ धर्म और वर्णों में वैश्य वर्ण, यही तो सबका आधार है। ब्राह्मणों का भी यही दान दक्षिणा देते हैं, क्षत्रियों को भी यही साधन देते हैं, राजकोष भरते हैं। तो वैश्य वर्ण और गृहस्थ आश्रम ये मूल है, यही सबका भरण पोषण करता है। और शूद्रों को ब्रह्म तेज, आत्म तेज और वैश्य तेज। और शूद्र तो शिल्पी हैं, उनको सब लोग रक्षा करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब। और अगर वो लोग सहयोग करें तो सभी का मार्ग मुक्ति का प्रशस्त हो जाता है। अगर वो लोग भी सहयोग करें, वो सहयोग करेंगे। ये जो अपने आप को दलित वगैरह कहने वाले क्रिश्चियन एजेंट है ना, इनको छोड़ दीजिए। मेरे बहुत से शिष्य अनुसूचित जाति से आते हैं, शिष्य और शिष्याएं, और वो पूरे सनातन धर्म को मानते हैं। ये जो मीडिया के द्वारा प्रोजेक्टेड सो कॉल्ड दलित नेता हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हम इनको समाप्त कर देंगे, हम इनको किनारे कर देंगे। कहने का अर्थ है घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये जो अटेम्प्ट चल रहे हैं इनको जानने की बात जरूरी है। घबराने की बात नहीं है, लेकिन खतरा है, खतरा है। खतरा को अनदेखा करने की भी बात नहीं, खतरा वास्तविक है। धर्म पे खतरा तो ये महाभारत काल में भी था, इसलिए युधिष्ठिर ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा। काल में भी धर्म पे खतरा था, भगवान राम ने उसका निष्कर्ष निकाला। ये पृथु महाराज ने भी किया, तो धर्म का पृथु महाराज ने उसका निष्कर्ष निकाला। खतरा है तभी तो हमारे लिए चुनौती है। नहीं तो हम करेंगे क्या? मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए ये जरूरी भी है, अधर्म जरूरी भी। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि हम उस खतरे से लड़ाएं और उसे समाप्त करें। खतरा है, सदा रहेगा। तो ये भागवत पुराण तो पूरी केस स्टडीज है शुरू से आखिर तक। हाँ। किस तरह प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकश्यप एक धर्म के लिए खतरा बने हुए थे, सदा हुआ। तो वहां पे अब वहां पे बात आ जाती है, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप एक ही परिवार से है, पिता उता पुत्र। और लेकिन वहां पे धर्म और अधर्म की वजह से वहां पे उनका कलह हुआ, क्लेश हुआ। और मूल धर्म ही मूल है, देह मूल नहीं है, कोई प्रजाति मूल नहीं है, जाति मूल नहीं है, मूल है धर्म। धर्म के आधार पर ही विभेद होता है। तो कर्म और गुण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कौन राक्षस है, कौन असुर है, कौन सुर है। वेरी सिंपल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि अगर हम अगर हम लोग जो है इसमें सब कुछ एक है, डीएनए थ्योरी एक है। अभी डीएनए थ्योरी तो रिसेंटली बनी हुई है। डीएनए थ्योरी तो सबको ये बताती है, अभी तो जानवर का भी डीएनए सेम है। गुण कर्म को डीएनए में तो हड्डियां और फास्फोरस होते हैं, और वो हाइपोथेसिस है। अभी डीएनए कुछ नहीं है, कुछ भी परिकल्पनाएं करते हैं। रिसेंट हाइपोथेसिस है, लेटेस्ट वेट। डीएनए थ्योरी कब नष्ट हो जाएगी? साइंस की कितनी थ्योरीज पैदा हुई और खत्म हो गई। ये जो भी यूरोप से पैदा होती है वो पैसा बनाती है और चली जाती है। वो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम होती है सारी। अभी डीएनए थ्योरी, कोरोना चला गया, अभी न्यूमोनिया भी आ गया है, चाइनीज न्यूमोनिया भी आ गया है, वो भी चला जाएगा। तो डीएनए थ्योरी कोई प्रामाणिक थ्योरी नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। एक्चुअली तो मैं भी लिख चुका हूँ कि वो रेस थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए डीएनए थ्योरी बनाई गई थी। तो अभी जहां तक न्यूनतम समानता की बात है, हमारे लिए हमारे शास्त्रों में उसके लिए शब्द प्राणी, जो भी सांस लेता है, प्राणातीति प्राणी। तो फिर एक तो ब्रॉडर कैटेगरी है, आप डीएनए क्यों कह दीजिए? सभी प्राणी, गधा, घोड़ा, उल्लू, हाथी, शेर, मनुष्य, सब प्राणी है। तो फिर आप हिंदू मुसलमान तक क्यों सीमित रहते हैं? नहीं, अगर तो भागवत जी में सब प्राणी है। मैं और गधा एक हूँ, मैं और उल्लू एक हूँ, तो सभी प्राणी है। जिसको मुसलमानों के साथ डीएनए दिखता है, उसको गधा और उल्लू के साथ डीएनए जरूर दिखना चाहिए। बिल्कुल है वो। हम और गधा एक, हम और उल्लू एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। और ये सभी जानवर पृथ्वी पे रह रहे हैं। सभी लोग हवा, सब सांस ले रहे हैं, सब पानी जल पी रहे हैं, सब लोग वही भोजन खा रहे हैं जो पृथ्वी पे उग रहा है। प्राणी थी, सांस लेते हैं उसको प्राणी कहते हैं। तो जो भी सांस ले रहा है, पेड़ पौधे भी प्राण लेते हैं एक अर्थ में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्राणी है। तो मोहन राव जी कह सकते हैं कि आम का पेड़, इमली का पेड़, कांटों का पेड़, गुलाब का पेड़, और सब एक है। और सभी एक। और इसमें बहुत सारे जो अपने आप को जो हिंदू जो अभी आजकल शास्त्रों से अलग करना चाहते हैं, कॉमन सेंस से अलग, मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि अगर पुराणों से आप कटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुराणों के माध्यम से वेद समझाए जाते हैं, तो वेदों का शिक्षा पुराणों से दिया, श्रुति स्मृति पुराण आदि दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। तो लेकिन ये जो बोलते हैं कि पुराणों पे न जाए, बेकार की बातें, ये बात हिंदू के लीडर्स कर रहे हैं, इस तरह के लोग। वो कौन है? Who are they? They have no authority। जो है विवेक चल प्रसुताद वेदा, कहा है कि जो इतिहास और पुराण की निंदा करे, ऐसे अल्पसुत लोगों से वेद डरते हैं, करे ये हमको नष्ट कर देगा। तो जो भी पुराण की निंदा करे, उससे तो स्वयं वेद डरते हैं कि ये पापी है, ये पता नहीं क्या करते, पापी लोग हैं। नहीं, वो छठा चैप्टर, छठा स्कंद पढ़ ले भागवत पुराण का, यमदूत और उनका संवाद, तो उसमें पता लग जाएगा क्या होता है धर्म अधर्म। बट एनीवे, रामेश्वर जी वेरी क्लियरली वी डिफाइंड कि जो वेदों का पालन ना करे वो सनातन धर्म का इतिहास का हम लोगों ने बात किया, सनातन शब्द का इतिहास का बात किया कि सभी वेद पुराणों में, रामायण महाभारत में है। और जो सनातन धर्म को शास्त्रों से काटने की कोशिश करे, वो व्यक्ति पे विश्वास आप नहीं कर सकते कोई भी। तो वो अप्रामाणिक है, अनधिकारी है, और अनधिकारी भी है, धर्म के विषय में अनधिकारी। और मैं आपको वो रेफरेंस ढूंढ के निकाल के दूंगा, मैं आपको जो एक रेफरेंस है, गलत भी हो सकता है, जो मैंने पढ़ा था दीजिए। हाँ मैं पढ़ के बताता हूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, और आई एम सीइंग द ऑडियंस रिएक्शन आल्सो लाइव इन द यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच दोज ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, एंड विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट शो। ओके।